जी अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आज का मेरा जो वीलॉग है ना, वैसे तो मैंने हमेशा अपने जितने वीलॉग्स बनाए हैं माइक के बगैर ही बनाई हैं। मतलब कभी आवाज़ फट रहा है, कभी आवाज़ नीचे हो रहा है, कभी आवाज़ कहीं और जा रहा होता है, और फिर शोर शराबा इतना कि बस आप पूछो मत। और काफ़ी मेरे फॉलोअर्स ने शिकायत की है कि भाई क्या मतलब क्या माइक बना रहा है, तो मतलब क्या वीडियो बना रहा है, सॉरी वीडियो क्या बना रहा। तो आज कोशिश करूंगा जाके देखूं यार कोई मैं अच्छे से क्वालिटी का जो है ना मैं माइक ले लूं, ताकि मेरे जो वीलॉग्स हैं यूट्यूब के वो अच्छे से अच्छे हैं। और जो मैं ट्रेवल करता हूँ, ट्रेवल के दौरान तो बहुत शोर शराब आता है, उसके लिए भी मैं हेलमेट का कोई बाइक देखूंगा अगर बजट रहा। जाहिर सी बात है जो इतना बड़ा वीलॉगर तो हूँ ही नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े महंगे सामान लो, एक्सपेंसिव। अब छोटे से छोटे भी लेने चले जाते हैं ना, जो चाइना की थर्ड क्वालिटी होती है, वो भी हमें नहीं तो नहीं 15,000 से 20,000 के दरमियान मिल रहे होते हैं। माइक वगैरह की बात कर रहा हूँ, कैमरे की तो मैं जाहिर सी बात है जितने भी अपने वीलॉग बना रहा हूँ वो सब के सब जो मैं बना रहा हूँ अपने मोबाइल से ही बना रहा हूँ। और ये जितनी क्वालिटी आप देख रहे हो ये मोबाइल की है। बहुत जल्द जो है ना मैं अपने लिए एक अच्छा सा कैमरा भी ले लूँगा भाई। सफ़र में हूँ, जा रहा हूँ लेने के लिए माइक के। देखें भाई कोशिश है कि अच्छी माइक ले, मगर मसला है ट्रैफिक ने इतना बुरा हाल किया हुआ है, ट्रैफिक नहीं छोड़ रहा है। और 4 बजे का टाइम है, शॉप भी बंद होने के टाइम हो रहे हैं समझे। अब मैं जल्द से जल्द जाके शॉप पे पहुंच जाऊं, वरना इससे पहले कि शॉप बंद हो जाए भाई। अब फिर सिग्नल में आगे फंस गए भाई। फाइनली जो है ना मैं आ गया हूँ शहर की तरफ, ठीक है। मैं जा रहा था सदर, और सदर में इतना हमारा जो आजकल आई चंद्रगढ़ रोड जो है ना उधर ट्रैफिक इतना भरा हुआ है, ट्रैफिक तो यहाँ पे भी है। तो मैंने इरादा तर्क कर लिया सदर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो चीज़ ये था कि 2 नंबरी चीज़ बहुत मिलते सदर में, आपको एक से एक फ्राडिया मिल रहा होगा, हर कोई आपको मिल रहा होगा। तो इस तरह मैंने सोच लिया कि भाई मैं अब जाके डिफेंस में किसी शॉप से ले लूँगा, बेहतर वही है, वरना फिर मैं मजबूर जाऊँगा, सदर में ही लेना पड़ेगा। बहरहाल अभी मैं थोड़ा ट्रैफिक से निकलूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, और ये मेरी आखिरी वीलॉग है जो माइक के बगैर है। और आज के बाद जितने भी होंगे वीलॉग्स बनेंगे वो माइक के साथ ही बनेंगे। अब आगे जाके देखते कि आया मैं बोया का, इरादा तो बोया का लेने का है, बोया का अगर मिल गया तो बेहतरीन, अगर नहीं मिला तो भाई फिर कोई भी ब्रांड ले लेंगे, K8, K9 या फिर कोई चाइना का ब्रांड ले लेंगे। यार एक मिनट ट्रैफिक से हम निकले, क्योंकि ट्रैफिक में हम फंसते हैं। बस अब पार्किंग हम देखेंगे, पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, फिर परचेजिंग करने के बाद फिर हमें अपना आपको अपना व्यूज दे दूंगा कि भाई किस तरह माइक था। और कीमत नहीं बताऊंगा भाई, प्राइस नहीं बताऊंगा। तो भाई ये है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कैमरे को बंद करता हूँ, फिर मैं मार्केट जाके ये चीज़ खरीदता हूँ। जी भाई अभी मैं एक माइक ले रहा हूँ, और उसमें ये है कि देखते कि इसका रेंज कितना है, चेक कर रहा हूँ क्वालिटी का है तो ये चाइना का। और अब ये क्या क्वालिटी है, तकरीबन 10 से 12 फीट में दूर आ चुका हूँ, और ये चेक करने के लिए कि माइक की क्वालिटी कैसी है, ये अच्छी है या बुरी है। और मैं गली के अंदर हूँ और गली में मैं चेक कर रहा हूँ, बस गली में मैं चेक कर रहा हूँ, और देखते हैं भाई अभी चल के इसका साउंड सुनते हैं। फाइनली जो है ना मैंने माइक ले लिया, वायरलेस माइक जो लेने आया हुआ था ना, मतलब मैं बोया का लेने का चाह रहा था, मगर सारे कॉपी थे और कॉपी भी बहुत एक्सपेंसिव थे, तो भाई सीधी सी बात है फायदा नहीं था किसी चीज़ लेने के लिए, क्योंकि भाई कॉपी भी ले और पैसा भी खर्च कर और बाद में वो ख़राब हो जाए, तो बेहतर इसी में था कि कोई भाई लोकल ही लेते हैं। लोकल में फिर K8, K9 आ रहे थे, मगर वो भी K8, K9 डबल में मुझे कोई भी नहीं दे रहा था, सब सिंगल में दे रहा था। तो भाई फाइनली मैंने ले लिया है, एक चाइना कोई ब्रांड है और समझ में नहीं आ रहा है, मगर जो भी है क्वालिटी वगैरह चेक किया। फिलहाल तो मैं माइक के बगैर बना रहा हूँ, और फ्यूचर में आज के बाद जितनी भी मेरी बनेंगी तो सब के सब जो है ना ये एक ब्रांड है। ओ गिर गया, ये रहा भाई, ये है, इस ब्रांड का भी बना के माइक टेस्ट करवा दूंगा कि भाई किस तरह इसका ये स्पेशल है या नहीं है। तो जो मेरी वीडियो बनेगी आज के बाद, जितनी वीडियो बनेगी सब इस माइक की बदौलत बनेंगे। और ये सारे जितने भी मैं शुक्रिया करूँगा अपने भाई का, हमारे पास जो है ना जो ऐसे भाई हैं जो हमें देते रहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई इस तरह भाई पालो, वरना भाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिले फाइनली मैंने जो है ना अपना ये माइक ले लिया है, जो कि अभी मैं जो वीलॉग बना रहा हूँ ये मैं इस माइक से बना रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि इस माइक का जो अब रिजल्ट कुछ आया है, फ़र्क नहीं आया, और साथ साथ में प्राइस मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्राइस के ऊपर बहुत ठंडा चल रहा है कि भाई मैं बताऊँ या आप लोग बताएं।
इसके प्राइस कितना होना चाहिए? मैंने जैसे कि बताया कि भाई बोया का मुझे ओरिजिनल नहीं मिल रहा था, सब कॉपी मिल रहे थे और कोई वैरायटी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा जहां मैं जाके उसकी कॉपी लूँ और कॉपी भी सही नहीं मिले तो बेहतर है कोई मैं लोकल ब्रांड ही, जो चाइना के ब्रांड ही होता है वही से लूँ, और इसी के ऊपर ही आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मिलेंगे अपने नए व्लॉग में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।